सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता ते तुसी वेख रहे हो एवन पंजाबी टीवी। खबर लेंदे आ फिरोजपुर तो। फिरोजपुर फिर चली गोली और इस गोली दे विच एक नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया है। गोली चलन दे नाल इलाके विच दहशत दा माहौल है। हर एक दे चेहरे ते जिहड़ी है वह चिंता है और पुलिस प्रशासन ते एक बार फिर उठी है उंगली। असल में यह गोली कित्थे चली है, की है पूरा मामला? सुखचैन सिंह जी फिरोजपुर तो मेरे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां तो अपडेट लेंदे आ। सुखचैन जी, की अपडेट है इस खबर नूं लेके? बिल्कुल जी, गल करिए जी, फिरोजपुर दे विच जी कानून की अवस्था जी बिल्कुल दिनों दिन जी बिगड़ती जा रही है और जिहड़े हालात इदां दे बन चुके ने, जिहड़ी लगातार गोलियां दीआं जिहड़ियां लगातार जिहड़ियां वारदातां नूं अंजाम दित्ता जा रहा है। जिहड़ी कानून दी अवस्था बिल्कुल कह दईए तां उन्होंने बिल्कुल इक जिहड़ा दम तोड़ दित्ता है। कानून दी ना दी बिल्कुल जिहड़ी चीज ही खत्म हो चुकी है। और रात नूं जिहड़ी इक गोली चली सीगी और नौजवान दा किसी नाल मूल दी झगड़ा होण करके उस 22 साल दे नौजवान नूं जिहड़ी इक गोली मारी गई और उहदे विच जिहड़ा जख्मी इलाज जख्मी सीगा, जख्मी विच जिहड़ा बागी हॉस्पिटल दे विच इक लजाया गया, उस तों बाद उहदी जिहड़ी कानूनी कारवाई। लेकिन सुखचैन जी, वड्डी गल तां इही है ना, पिछले दिन भी इस तरह की एक घटना हुई सी, दोबारा फिर एक घटना हुई है जिस दे नाल माहौल इलाके दा लोकां दे विच दहशत दा माहौल बनता है ना? बिल्कुल जी, जिहड़ी लोकां दी जिहड़ी सुरक्षा करन वाली पुलिस, लोकां दी जिहड़ी सुरक्षा हुण जिहड़ी आराम भरोसे रह गई है और जिहड़ी कानूनी अवस्था जिहड़ी बिल्कुल जिहड़ा कानून दी अवस्था ने जिहड़ा दम तोड़ दित्ता है। बिल्कुल जी, वारदातां जिहड़ियां लगातार वधदियां जा रहियां ने, जिहड़ी पुलिस है बिल्कुल उहदे च नाकाम नजर आ रही। लेकिन सुखचैन जी, नेड़े तेड़े कोई सीसीटीवी लगा होएगा, उहदे विच सारी घटना कैद तां होई होवेगी? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ पिछले दिनों दी घटनावां दी गल करिए ते अज दी घटना दी गल करिए, अज फिर फिरोजपुर दे विच गोली चली है जिस दे नाल एक मामूली झगड़ा होण तो बाद ए गोली चली है। नौजवान जिसकी उम्र महज 25 कु साल दसी जा रही है, वह इस दे विच बुरी तरह जख्मी होया है। इस संबंध में की गलबात हुई है, वेखदे हाँ। खबर ये मेरे हसबैंड ने अं दुध लैन गया सी, इन्हां दी गोली गोडे विच वज्जी है, सानू पता नहीं ये बंदे कौन ने, क्यों मार के गए ने, की गल की बात है, सानू इन्दा पता नहीं, वो बेहोश है बह हुए ने, उन्होंने कोई पता ही नहीं है, वो उठन के तो सब कुछ दस दें, उन्होंने बंदे वेखे हुए हैं। ये मोटरसाइकिल ते आए सीगे ते कार च भज गए वापस? हाँ जी, मोटरसाइकिल ते आए सी, मोटरसाइकिल इन्हां दे उत्थे डिग गया, ये वापस चले गए, वापस भज गए, वापस मोटरसाइकिल छड के इन्हां दे फेर गोडे दे विच मारे। ओह किंदे ते भज गए वापस? ओह गड्डी दे उत्ते जाके मोटरसाइकिल छड के गड्डी दे विच जाके बह गए। ते हुण ये तुहाडे कौन लगदे आ, की नाम की इन्हां दा? पूरा नाम रोहित ते मेरे हसबैंड ने। की मांग करदे हो? असीं इंसाफ चाहुंदे बस। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਏਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।